डबल मनी का असर तो सब गरीबों पे ही हुआ है, गरीब ही परेशान है डबल मनी के पैसे से, बताओ। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि गरीब ही परेशान है, तो गरीबों ने ही अगर डाला है तो गरीबों के पास इतना धन कहाँ से आया डालने के लिए? अरे किसी ने जेवर बेच के डाला, किसी ने जमीन बेच के डाला, किसी ने घर द्वार बेच डाला, अब क्या सब मेहनत की कमाई डाला है। निर्दलीय जो आपके ज्योति ज्योति उमरे जी है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले विगत 5 सालों से भी वो काफी संघर्षरत हैं और बहुत ही सौम्य नेचर की है ना, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब से मैं इस लांजी क्षेत्र में हूँ तब से उनके बारे में काफी सुन रहा है, काफी चर्चा है। अच्छा, काफी चर्चा में डबल मनी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? डबल मनी तो मिलना चाहिए हमें, कि अभी डबल मनी का जो मामला आपने उठाया है उसमें से मैडम जी 10 साल से विधायक रही है, 10 साल में अभी तक डबल मनी के मामले में उन्होंने ही संसद में उसका कार्यक्रम उठाया और हमारा पैसा गया है वहाँ पे, हम गरीबों का सभी का गया है। हिना का और आज तक विधायक बनी है तो नंदोरा भांटोला में आई है क्या देखने, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो क्या आपके क्षेत्र में चुनाव के लिए बोल रही है कि मैं खड़ी हूँ करके, मगर इतना दिन से वो जीती है, इतना साल हो गया तो भांटोला नंदोरा में पैर नहीं रखी है। फूल क्यों नहीं? नहीं फूल वो सब नाश कर दिया मोदी ने, शिवराज सिंह ने नाश कर दिया। तो मोदी सरकार तो बहुत सारा कुछ दे रही है। क्या दिया वो अपने घर देख के दिया क्या? मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से सावित्री दानी आज फिर आप लोगों के बीच में हूँ और एक और नया वीडियो हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं और जो कि बहुत ही मजेदार होगा। हम यहाँ पर खड़े हैं लांजी, लांजी में आज लांजी का मार्केट भी है और मार्केट होने के साथ साथ यहाँ पर 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि अपना चुनावी बिगुल का जो डंका है वो बजाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया है और यहाँ पर कहना चाहिए कि सुश्री हिना कावरे और साथ में राजकुमार कर्राहे जी और ज्योति उमरे जी है ना, ये तीनों ही लोग यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं चुनावी माहौल में। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। सर आपका नाम? संतोष चौहान। संतोष चौहान, संतोष चौहान जी आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की सत्ता आ सकती है फिर बीजेपी की? अभी तो दो का ही चल रहा है ना, कमल और पंजा का। अच्छा, अभी निर्दलीय उम्मीदवार एक जो सामने बढ़कर आ रही हैं और जिन्होंने पिछले विगत 5 सालों से एनजीओ चला रखा है और जिन्होंने की जिला पंचायत का भी उन्होंने एक चुनाव लड़ा था, श्रीमती ज्योति उमरे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत अच्छा है मगर अब पता नहीं है कब कब आ जाए कौन, तो ये नहीं मालूम। इसमें 3 में टक्कर तो लग रहा है। आपकी क्या मानसिकता बनती है? मैं क्या बताऊं? मैं आपका शुभ नाम सुरेश। सुरेश जी आप लांजी से बिलोंग करते हैं? हाँ लांजी से बिलोंग करते हैं। सर क्या लगता है यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल तो बिल्कुल पूरा दोनों जगह का टक्कर का है, बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, आपके यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अभी चल रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है, पर अभी फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी का ही है। चलिए जी, अपना शुभ नाम? कामता प्रसाद जी होने। कामता प्रसाद भी होने जी, भी होने जी, आज हम आपके क्षेत्र में हैं, आज हम आपके क्षेत्र में हैं और यहाँ पर चुनावी माहौल को हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सत्ता आएगी या फिर कांग्रेस की? अभी तो ये कह नहीं सकते मैडम, अभी कह नहीं सकते है ना। आपको क्या लगता है पिछले 10 साल की राजनीति और अभी जो शुरुआत होने वाली उसके बारे में? नहीं, शिवराज जी का काम अच्छा है। क्या आपको उनके सारे फायदे मिले हैं? जी। आप उनसे खुश हैं? हाँ खुश हैं। धन्यवाद दीदी, नमस्ते आप सभी को। मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से हूँ और आज यहाँ पर हम लोग आए हैं चुनावी माहौल को जानने के लिए, तो मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगी है ना जी। आप कहाँ से? भानुटोला। बोलो भानुटोला। अच्छा आप भानुटोला से है ना, तो आप मुझे बताइए कि अभी चुनावी माहौल है ना, अभी राजकुमार कर्राहे भी खड़े हैं जो कि बोलते हैं कि मैं दिल से आपका भाई हूँ और मैं आपके लिए सारे काम करूंगा है ना, और जो हमारे जो पिछले 10 साल से जो चुनाव में है ना, शुरू से ही ना, तो आप मुझे बताइए कि आपका राय क्या है? आप ये बताओ कि हिना का और आज तक विधायक बनी है तो नंदोरा भांटोला में आई है क्या देखने, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो क्या आपके क्षेत्र में चुनाव के लिए बोल रही है कि मैं खड़ी हूँ करके, मगर इतना दिन से वो जीती है, इतना साल हो गया तो भांटोला नंदोरा में पैर नहीं रखी है। अच्छा, यानी पूरे अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक भी साल या आपके गांव या ग्राम का या आपके एरिया का विकास नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, बीजेपी सरकार से क्या आप खुश हैं? बीजेपी सरकार से क्या कुछ रहेगा जी, बेचारा राशन दे रहा है फ्री,
बिजली माफ कर रहा है, आ रहा अभी लानी बहना में दे रहा है 6 महीना से 6,000 रुपए। इतना अच्छा है? चलिए माँ जी, आपको भी लाडली बहना का मिल रहा है? आपको पेंशन मिलती है? ये अभी अभी 2 महीने हुए चालू हुआ है। चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए, आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगी या कांग्रेस को? किसी को भी देंगे हम लोग, बीजेपी को देंगे क्या, उसको कांग्रेस को देंगे, हम किसी को दे सकते हैं। मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से, है ना सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सर यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव में लगभग 10 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से बीजेपी और कांग्रेस और साथ में निर्दलीय है ना, ये सभी प्रकार के यहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसा होगा? फाइटिंग है। किनके बीच में फाइटिंग हो सकती है सर? दोनों बड़ी मेजर पार्टी। कौन कौन सी? और क्या, बीजेपी और कांग्रेस रहेगी। अच्छा, निर्दलीय जो आपके यहाँ ज्योति है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले विगत 5 सालों से भी वो काफी संघर्षरत हैं और बहुत ही सौम्य नेचर की है ना, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब से मैं इस लांज क्षेत्र में हूँ तब से उनके बारे में काफी सुन रहा है, काफी चर्चा है। अच्छा, काफी चर्चा में है। आपको क्या लगता है ये दोनों में से किसको वो टक्कर दे सकती है? इंडिपेंडेंटली कर सकती है, लेकिन जहाँ तक के है नेशनल पार्टी का ज्यादा जोर है। थैंक यू सर। हाँ माँ जी, आपका नाम? शांति भाई वाकड़े, जुनवानी। जुनवानी, आप जुनवानी में रहते हैं? आप किस नेता से खुश हैं? मैं नेता गीता में कुछ नहीं है बाबा। हाँ तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगी? जिस मर्जी पड़े जिसको वो उसको देंगी मैं। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों गुस्सा नहीं आएगी? उनने ये पाइप गड़ाए, आज 6 महीना हो गया पाइप पानी लगाएंगे करके, आज पानी भी नहीं आया। वो खंबे गड़ाए, वहाँ पर खंबे में लाइट नहीं आई, फिर ऊपर से वो नाली बनाते हैं तो वो नाली में भी वो क्या कांग्रेट डाल देते हैं, वहाँ सलाख डालते हैं, और नाली रहेगी क्या? नहीं, वो नाली फूटेगी नहीं, जानवर लात मंडाएंगे तो ऐसा होता है। तो आपने इस मामले की शिकायत क्या किसी से नहीं की? मैं नेता नहीं। आपके गांव के सरपंच है, आपके पंच है, आपके गांव में क्या आपने अपनी समस्या उनको नहीं बताई कि हमारे गांव की सड़कें ऐसी हो गई है? अभी देखो पिछले साल रोड बना है सिरमिट का, अभी जाके देखो जुनवानी में फूट गई रोड ऐसी होती। मतलब आप अभी की सत्ता से बहुत परेशान है और बहुत दुखी है? आगे आप क्या चाहती है? आप क्या चाहती कि कैसी सरकार आए? अब कैसी सरकार अभी भी आती है कैसी नहीं तो क्या मालूम। अच्छा। वो राशन फ्री दे रहा है, पैसे का राशन अलग देता था, फ्री अलग देता था, पैसे वाला बंद कर दिया, अब फ्री राशन दे रहा है। और जो काबेज वो लखनदार आदमी थे उनका कर्जा माफ हुआ, गरीब उनका तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। आपका कर्जा माफ नहीं हुआ? हमारा कुछ नहीं हुआ, हम वैसे लंपन में जाते नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हम तुरंत भलाई ना अपन घर में भिखारी। चलिए माँ जी, बहुत अच्छा लगा मेरे ग्रामीण क्षमता न्यूज से। सर हम यहाँ पर लांजी क्षेत्र में आज यहाँ के चुनावी परिसर के बारे में जानने के लिए आए हैं, है ना। यहाँ से 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि अभी हमें जो समझ में आया लहर जिनकी चल रही है, एक तो है ज्योति जी कुमरे, दूसरे है राजकुमार कर्रा है जी, और तीसरे है जो हमारे पिछले 10 सालों से राज करते आ रहे हैं सुश्री हिना कावरे जी। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिना कावरे जी आएंगे, मैं तो इतना कहता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर अभी कुछ लोगों से बातचीत हुई और वो काफी नाराज है उनसे। वो अब उनका मित्र है, अब हमारा मित्र। चलिए, आप चाहते हैं कांग्रेस आए, भाजपा क्यों नहीं? सरकार बैठना चाहिए कहते हैं। भाजपा क्यों नहीं सर? उन्होंने तो इतनी सारी सुविधा दी है आपको। अब दिए हैं पर वो तो इतना साल हो गए ना, अब इसका भी तो देख लेते हैं। अच्छा, मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं। चलिए धन्यवाद दीदी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए दीदी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अभी जो मतलब जो शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहनों की 5वीं किस्त पे डाल दी है, आपको मिलती है? हाँ। आपको कितनी बार मिल चुकी है? 6 बार हो गए। आपको क्या लगता है अभी 7वीं बार फिर मिलेगी? पता नहीं, अब तो ऐसा तो मालूम नहीं। अच्छा नहीं, क्योंकि अभी कहा से कुछ सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि अभी और किस्तें डलने वाली है 10 के पहले। ऐसा तो बोल रहे हैं, फिर अभी पता नहीं, अब
आएगा जब पता चलेगा। चलिए अब माता राम पंजा या फूल सर आप बताइए पंजा या फूल? फूल। फूल सर फूल क्यों? क्योंकि उनकी सारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो योजना आज लाडली बहना देख लीजिएगा, वो किसी ने अभी तक इतने पैसे नहीं दिए हमारे लाडली बहनाओं को जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमें मिल रहा है हमारे बहना लोगों को, इसलिए शिवराज फूल ही चाहिए। कांग्रेस सरकार क्यों नहीं? कांग्रेस सरकार तो आज तक हमें ऐसी धोखा में रखी है, पर आज जिस प्रकार की सरकार है हमारे पास अभी इस क्षेत्र में हमारा बीजेपी का कोई क्या बोलते अपना डबल मनी के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? डबल मनी तो मिलना चाहिए हमें, क्योंकि सभी बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अब सरकार आपको क्या लगता है आगामी आने वाली सरकार क्या इसमें आपकी मदद कर सकती है? देखो अब करती कि नहीं करती। अच्छा आप क्या चाहते हैं सर? वही फूल चाहते हैं। फूल चाहते हैं कांग्रेस क्यों नहीं सर? तो अभी तक तो काम तो बहुत देखा कांग्रेस का। चलिए डबल मनी का असर तो सब गरीबों पे ही हुआ है, गरीब ही परेशान है डबल मनी के पैसे से, बताओ। अच्छा सर आप कह रहे हैं कि गरीब ही परेशान है, तो गरीबों ने ही अगर डाला है तो गरीबों के पास इतना धन कहाँ से आया डालने के लिए? अरे किसी ने जेवर बेच के डाला, किसी ने जमीन बेच के डाला, किसी ने घर द्वार बेच डाला, अब क्या सब मेहनत की कमाई डाला है, कौन कहीं से अपने जेब से थोड़ी डालता है। क्या इस कार्ड को रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। मगर सरकार चाहती तो बराबर रोक देती उस चीज को, मगर सरकार ने उसपे बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन ले लिया, जो देना चाह रहा था पैसा वो भी नहीं दिया। क्योंकि अभी डबल मनी का जो मामला आपने उठाया है उसमें से मैडम जी 10 साल से विधायक रही है, 10 साल में अभी तक डबल मनी के मामले में उन्होंने ही संसद में उसका कार्यक्रम उठाया और हमारा पैसा गया है वहाँ पे, हम गरीबों का सभी का गया है, जो खेत बेचा है किसी ने अपना जमीन बेच के दिया है, इस मामले में मुझे तो बीजेपी ही चाहिए। शुभम जी, तो शुभम जी आपसे मेरा एक छोटा सा सटीक सवाल है ना, आगामी होने वाले चुनाव है ठीक है, इस चुनाव में बीजेपी भी है कांग्रेस भी है और निर्दलीय भी है ना, आपका आपका मत किस तरफ जाता है? हम तो बीजेपी वाले, बीजेपी को ही देंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं सर? तो हमारी विचारधारा वैसी है, शुरू से ही विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, तो अभी बीजेपी को ही देंगे। अच्छा आप बीजेपी को ही देना चाहते हैं। अभी यहाँ पर कुछ समय पहले कुछ लोगों से बात हुई है, जो निर्दलीय हमारी एक उम्मीदवार है जो 8 नंबर बटन दबाकर गन्ने के उस पर खड़ी हो, गन्ना निशान है जिनका, ज्योति जी उमरे, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी लेडी है, लगातार प्रयास कर रही है महिलाओं का, यानी महिलाएं बहुत बहुत महिलाएं जुड़ी हुई उनसे। क्या आपको नहीं लगता एक बार चांस उन्हें मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मगर अभी तो फिलहाल में कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। आपको लगता है कांग्रेस और भाजपा में टक्कर किसकी होगी? अब देखिए अब तो रिजल्ट बताएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपके विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होने वाले हैं, बस एक छोटा सवाल, पंजा या फूल? दीदी आप अरे कुछ बोलो ना, कोई डांट थोड़ी रहा आपको, बोलिए ना। कोई डांट तो नहीं। पंजा या फूल आप किस वोट देना चाहेंगे? दीदी पंजा या फूल, दीदी बोलिए ना, पंजा या फूल आप किस वोट देना चाहेंगे? कमल फूल। दीदी पंजा या फूल? काका मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से, मेरा नाम सावित्री रानी है और मैं यहाँ पर आपके एरिया के चुनावी माहौल को जानने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बार पंजा आएगा या फूल? मैं ये नहीं बता सकता ना जी, पर हम बोलते हैं अभी भी मेरे भगवान के दया से पंजे ही आएगा, फूल नहीं आएगा। अच्छा आपका काम आपका क्या है भैया, बता आप कौन? आप क्या मालूम जी, अब ऐसा नहीं है कि अब वही आ जाए। मैं तो हम ये नहीं कह सकते पर पंजा आएगा, फूल आएगा कि पंजा? फूल आएगा कहते हैं। फूल आएगा कहते हैं हम, फूल वाले। हाँ भैया हम लोग ग्रामीण क्षमता न्यूज से और सर हम यहाँ पर जानने आए हैं कि इस बार किसकी लहर है, पंजा या फूल? यहाँ तो कुछ ही बताएंगे इस बारे में। अच्छा
पार्टी में बैठे हुए हैं। हाँ सही है। सही है वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी काका पंजे वाले, पूरे पंजे वाले, पंजा क्यों, फूल क्यों नहीं? नहीं फूल वो सब नाश कर दिया मोदी ने, शिवराज सिंह ने नाश कर दिया। तो मोदी सरकार तो बहुत सारा कुछ दे रही है। क्या दिया वो अपने घर बेच के दिया क्या? मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा अगर पंजे की सरकार आती है तो आपके क्या मुद्दे होंगे? बहुत काम होगा हमारा, बहुत काम होगा। आप कौन कौन से काम करवाना चाहते हैं? अरे हम घर बनवाएंगे दूसरा। अच्छा ऑलरेडी बीजेपी सरकार तो घर दे ही रही बना के। अरे वो क्या देगी, ढाई लाख में कोई पैसा मकान बनता है क्या? मेरे को आप बताइए। बनता है ना, जेब से डालना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जो डालो जेब से। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? उम्मीद रावत है, ग्राम लोड़ामा। सर मैं ग्रामीण क्षमता न्यूज से, और आज हम यहाँ पर चुनावी अटकलों को देखने के लिए आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी विजय श्री होगी? हमारे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। अच्छा ऐसा है। बीजेपी पंजा क्यों नहीं सर? कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं। 10 साल हो गया हिना कांवरे विधायक बनी है, तो अभी आई थी शुक्रवार को हमारे गाँव घूमने के लिए। अच्छा। क्या हुआ क्या नहीं, वो खुद ही बोल रहे थे की मैं 10 साल हो गया मेरे को चुनाव में विधायक बनी हूँ तो इस क्षेत्र में, मगर आज आई हूँ ऐसा। आप मेरे को सपोर्ट करना बोले, हम बोले ठीक है करेंगे आपको सपोर्ट ऐसा बोले। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में 10 साल के बाद में जब हिना कांवरे जी गई हैं, आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास, जो विकास की जो लहर थी कौन कौन सी चीजें हैं जो रुक गई? बहुत सारे पुल तो बनवाई एक दो ठो, और वो क्या क्या तो बोलते हैं हमको मालूम नहीं है। क्या कुछ परेशानी है आपके क्षेत्र में? परेशानी नहीं है हमारे लिए, तो रोड बननी है हमको, सीधा आना सीधा जाना पड़ता है। करता में कितना परेशानी थे, कंसोली नेवर वाई था, बहुत परेशानी पुल नहीं था तब, बात से भी वातावरण किया उसमें, फिर भी कंसोली घाट बन रहा है, फिर भी बेलगांव पुल बनेगा। ये सब कौन बनवा रहा है? हमारे जो अभी पंजाब में उठे वो बना रहा है। अच्छा।